सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम श्री रामचरितमानस। बालकांड दोहा नंबर 145 से पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। 3 दिन से तबीयत खराब है, सर्दी जुखाम बुखार है, इसलिए फिर भी प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम, जय जय राम। आज का प्रसंग है मन सतरूपा तप और वरदान। सवन सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हर हर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की बंभा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हु, तो प्रसन्न हो ये बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुन जतन कराहे। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। देख ही हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जो काग भुसुंडी जी के मानस रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निगुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनयुक्त और प्रेम रस में पके हुए बचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम, जय जय राम। नील सरोह नील मणि, नील नील धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोट सत काम। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्यामवर चिन्मय शरीर की शोभा देकर करोड़ों कामदेवी लजा जाते हैं।
शरद मयंक बदन चब सीवा, चारु कपोल चिबुक धर गीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विध कर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ा उतार वाला था। लाल ओंठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे, हंसी चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली थी। नौ अम्बुज अम्बक छबनी की, चितवन ललित भावती जी की। भगुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेतों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भवे कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भाजा, कुटुल केश जन मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर वन माला, पदिक हार भूषण मनि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला, रत जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंधर चार जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग झुज दंडा, कटनि संग कर सर को दंडा। सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे, हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ा वाले थे। सुंदर भुज दंड थे, कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख भरतीन। नाभि मनोहर लेत जनो जमुन भवर छबिचीन। स्वर वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो जमुना जी के भंवरों को छवि के छीने लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन बधुप बसे जही जन माही। भाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निध जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की रास, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु वंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भगुट विलास जास जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश में गुणों की खान, अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मा जी त्रिवेदों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भावें इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान का स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरे रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्त न मानहि मन सतरूपा। शोभा के समूह श्री हरि के रूप को देकर मन सतरूपा नेतों के पट पल के रुके हुए एकटक स्तब रह गए। उस अनुमान अनुपम रूप को वे सादर सही देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नाते। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड युग पद पानी।
सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्ध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की रास प्रभु ने अपने कर कमलों के से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उसे तुरंत ही उठा लिया। जय श्री।